हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर्स चैनल में। तो फाइनली सारे मैचेस मैं आज के कवर कर चुका हूं, बाकी जो लास्ट मैच रह गया आज का जो कनाडा T20 का मैच, जो लास्ट मैच है, इस मैच की वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, पूरी टीम बताने वाला हूं और किस तरह से हेडक्वार्टर 3 मेंबर लीग के लिए आपके विनिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं वो सब कुछ पता चलेगा। कौन से बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन रहेंगे हेड टू हेड और 3 मेंबर लीग में सब कुछ बताया जाएगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने एक इंडिया वाला छोड़ के और दूसरा यहाँ पे बाकी फ्रेंड ये इंडिया वाला छोड़ के फ्रेंड इंडिया वाला मैच छोड़ के अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हमारी, तो फ्रेंड सारी वीडियोस को देख लीजिए, हमारी वीडियोस में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी एक वीडियो मैंने अलग से सेपरेट बना रखी है, हमारी जो लास्ट वीक की टीम का परफॉर्मेंस था उसकी मैंने वीडियोज़ बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियोज़ को हमारे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। तो बाकी फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भाई हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो। फ्रेंड आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हम आपके लिए कैसी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप लोग भी देख सकते हो कि हम आपके लिए कैसी मेहनत कर सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कितनी मेहनत से यहाँ पर वीडियोज़ बनती हैं और कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं होगा जो इतनी सारी वीडियोज़ देता होगा एक ही दिन के मैच में। खुद अपना पूरा टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियो यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, बट आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हो, खाली टीम देख के चले जाते हो। टीम देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा, पता चलेगा आपको तभी कि क्या हो सकता है मैचेस में, क्या हो रहा है, किस हिसाब से मेरी टीम बन रही है। तो खाली टीम देख के आपको पता चलेगा, कुछ मैचेस में टीम्स आपको पसंद आ जाएंगी, जो आपके मनचाहे प्लेयर होंगे मैंने ले रखे होंगे तो आपको पसंद आ जाएगी, कुछ वीडियो में आपको पसंद नहीं आएंगे क्योंकि मैंने आपके मनचाहे प्लेयर ले नहीं रखे होंगे। तो फ्रेंड सब कुछ थोड़ा दिमाग लगा के खेलना पड़ता है, ऐसे ही फैंटेसी पे विन करना कोई मजाक बात नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो थोड़ा आपको अलग रह के अलग करके कुछ वर्ग आपको विन करना पड़ता है। हेड टू हेड 3 मेंबर भी काफ़ी हार्ड हो गया जीतना यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है स्पेशली ड्रीम इलेवन पे। तो थोड़ा ड्रीम इलेवन से हटके खेलिए, बाकी आप बल्लेबाजी और प्ले स्पॉट पे इंटरेस्ट हो तो वहाँ ट्राई कीजिए, वहाँ आपको अच्छा खासा विनिंग के चांसेस है। मैं बल्लेबाजी में मेरा ज़्यादा इन्वेस्ट रहता है। चलिए बात कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली टीम की। और इंडिया में ये सेकेंड मैच खेला जाएगा, पहला ये खेला जाएगा, उसके बाद सेकेंड मैच ये खेला जाएगा, इसी ग्राउंड पर खेलना है। तो ध्यान से थोड़ा, क्योंकि इसकी प्लेइंग लेन भी थोड़ी लेट आती है, तो उस हिसाब से आपको टीम क्रिकेट इसका अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, बट लास्ट मैचेस के रिकॉर्ड के हिसाब से जहाँ तक मुझे जो प्लेयर बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए, तो इन्हीं प्लेयर पर मैं चल रहा, क्योंकि फ्रेंड जीरो भी लग सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इनका स्क्वाड जो है अनाउंस नहीं हुआ कौन सा प्लेयर जाना, बट जो मुझे सेफ प्लेयर लगे वो मैंने रखे हुए हैं। बाकी इस मैच पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम ही रखना आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि तो रात बहुत हो जाते हैं, मे भी आप लोग 2,500 रुपये लगा भी दिए, अगर बाई चांस आपको नींद पड़ गई तो अगर आपके प्लेयर्स जीरो लगे तो फ्रेंड बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस मैच पर थोड़ा इन्वेस्ट कम रखना, बाकी मैचेस ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो टाइम पे हैं उन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। टीम मैंने बना के टीम आपको दिखाया, तो मैं डायरेक्टली एडिट करके और वहाँ साथ ही मैं बता दूँ कौन कौन प्लेयर खेलने वाले कौन है। विकेट कीपर की बात करें, विकेट कीपर लास्ट मैच में चंडीमल खेले थे, मैट क्रॉस भी खेल सकते हैं, देखते हैं कौन खेलते हैं। हेनरी क्लासन सेफ ऑप्शन है जिनको मैंने रखा हुआ है, अगर चंडीमल खेलता तो आप यहाँ से किसी एक बैट्समैन को कम करके चंडीमल को भी रख सकते हो, अगर आप एक के साथ जा रहे हो तो हेनरी क्लासन को भी साथ आप जा सकते हैं। बाकी फ्रेंड अगर पहले ही मैंने बोला था आपको प्लेयर स्पोर्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही में वहाँ पर रेफरल कोड भी दिया हुआ जिसे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो, हेड टू हेड या फिर स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग किसी में भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो बैट्समैन की बात करें, फ्रेंड पांच मैंने पिच को देखते हैं बैट्समैन रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है। युवराज सिंह है, मैकुलम है, काइल कॉर्जर है, एंटोन डैनविच है और उसके बाद मेरे रोड्रिगो थॉमस रहने वाले हैं। ये मेरे पांच बैट्समैन हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जॉर्ज बेली को ले सकते हो जो खेल सकते हैं, जिनके चांसेज हैं खेलने के। उसके बाद मैं किसी को यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा खेलने के लिए। चिराग सूरी भी लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, मे बी इनको भी बैठा दिया जाए। बात करें ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर के जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया, बात कर ले फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, जो यहाँ पे सुनील नैन करण पोलार्ड दोनों फ्रेंड यहाँ से गए हुए हैं, तो हमारे जो इंडिया के साथ T20 चल रहा है उसमें खेल रहे हैं, इंडिया के साथ जो सीरीज चल रही है इनकी वहाँ खेल रहे हैं, तो इनको तो गलती से हमारे लिया हो किसी ऐसी साइड पे जहाँ प्लेयर नहीं आते तो इनको तो हटा ही देना। तो जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया। बाकी यहाँ पर मोइसेस हेनरिकेस की जगह मैं यहाँ पर क्रिस ग्रीन को रख सकता हूँ, क्योंकि विकेट्स में यहाँ पर मिलेंगे अच्छी खासी, तो क्रिस ग्रीन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने मोइसेस हेनरिकेस को रखा। लास्ट मैच भी इनका काफ़ी अच्छा था, बाकी टॉस के बाद अगर टाइम पर आ गई प्लेइंग इलेवन तो मैं आपको इनकी टीम्स दे दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, उसके बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ आपको अपडेटेड टीम हर मैच की मिलती है, इसी मैच की नहीं हर मैच की अपडेटेड टीम आपको वहीं पर मिलती है। तो ये मेरा दोनों ऑलराउंडर हैं। बाकी बात कर लें बॉलर, जो
ठीक ठाक बॉलर लगे हैं इनमें फ्रेंड, बॉलर्स में काफ़ी ज़्यादा मार पड़ जाते हैं, पड़ रहे हैं तो 50-60 रन से कम नहीं दे रहा, ना ही विकेट मिल पा रही, तो विकेट बॉलर्स वही रखना जो विकेट टेकर बॉलर, जो विकेट ले जाने की अहमियत रखते हैं उन्हीं को रखने की यहाँ पर कोशिश करना। फहद अहमद को रखा मैंने, दूसरे मैंने यहाँ पर लमी चने को रखा, तीसरा मैंने यहाँ पर जो रखा है गॉर्डन को रखा। अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हो तो हेलिंगर को रख सकते हो, इनका लास्ट में जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। बाकी मैकलेगन खेलने वाले इनको रख सकते हो, नावेद खेलने वाले हैं इनको रख सकते हो, कीमो पॉल हमारे इंडिया की सीरीज़ में खेल रहे हैं, अगर इनको आपने कहीं किसी ने रखा हुआ है तो प्लीज़ इनको हटा दो, कीमो पॉल नहीं खेलने वाले। उसके बाद गोनी भी काफ़ी रिस्की रहने वाले, कोकलेजिन यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं, एंड दत्ता को लेना चाहते ले सकते हो कोकलेजिन, अगर इनको स्क्वाड कोकलेजिन अगर खेलते हैं तो फिर इनको ज़रूर रखना, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, विकेट्स काफ़ी अच्छे निकाल लेते हैं। नज़र को बैन करोट कर सकते हो फ्रेंड, इनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ जाती है, बहुत कम इनको विकेट्स वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए मैंने उनको भी गौर नहीं किया। अगर आप लोग रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका पैसा, मैं कुछ नहीं कहता, मेरा सजेशन देना काम है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, बाकी सुनना करना आपका काम है, क्योंकि पैसा आपका, और फ्रेंड की अपनी मन की किया कीजिए, क्योंकि पैसा आपका लग रहा तो फिर किसी और बंदे के पास जाना गलत है, क्योंकि लॉस होगा आपका होगा, और फिर आपको तसल्ली भी नहीं होगी कि यार मैं अपनी वजह से हारा, आपको लगेगा यार उसकी वजह से हारा। अगर आपको आप ऐसा ना सोचो उसकी वजह से, तो फिर आप मेरी टीम के साथ जा सकते हो, मैं डायरेक्टली नहीं बोलता कि आप मेरी टीम से जाओ, अगर आपको कॉपी करना तो कर सकते हो, बट बाद में ब्लेम मुझे मत करना, क्योंकि अगर आप हारोगे तो मैं भी हारूंगा, सीधी सी बात है, मैं जीतूंगा तो आप भी जीतोगे, तो ये सब चीज़ें। बाकी कैप्टन यहाँ पे मैंने थॉमस को बनाया, वाइस कैप्टन यहाँ पे कायल कॉटजर बनाया, कॉटगर बनाया। बाकी अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हो, मैकुलम काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, युवराज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हैनिक क्लासिन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और बाकी यहाँ पे कुछ खास जो हैं ऑलराउंडर मुझे लग नहीं रहा ऑप्शन अच्छे, जो अच्छा खेल सकते हैं हमारे लिए कैप्टन मैसेज हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में, ग्रैंड लीग में आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। तो ये रहेगी फ्रेंड मेरे हेड टू हेड थ्री मेंबर की लीग, और जो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन है उनकी टोटल बना के पूरी एक टीम, जो विनिंग टीम लग रही है मुझे, जो अच्छा खासा मैं विन करा के ला सकते हैं। और बाकी फ्रेंड आज जो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन हेड टू हेड मिलने वाले थॉमस या फिर वाइस, अधिकतर कैप्टन तो लोगों का थॉमस ही होगा, मगर वाइस कैप्टन के लोग मैकुलम या फिर युवराज सिंह या फिर एंटोन डेविस, इनको किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी कॉटजर भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, थोड़ा हट के रहेंगे अगर बाई चांस मैकुलम और युवराज सिंह अगर फ्लॉप रहे तो फिर कॉटजर, अगर एंटोन डेविस भी फ्लॉप रहे तो फिर कॉटजर यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं हमारे लिए। बाकी हैंडी के लगे काफ़ी अच्छे ऑप्शन, थोड़ा डाउन आते हैं बट थोड़ा जिस हिसाब से बैटिंग पिच है ये भी, अगर बाई चांस ऊपर के दो अगर जल्दी निकल गए तो अगर तो हैनिक क्लासिन उसके बाद आ गए तो उसके बाद फ्रेंड ये काफ़ी अच्छा खासा खेल सकते हैं, आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते किस हिसाब से खेल सकते हैं। तो ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन भी कैप्टन यूज़ कर सकते हो हैनिक क्लासिन को, तो बाकी आपकी मर्जी है। बाकी अगर प्लेइंग इलेवन फ्रेंड मैं पहली करूँगा, अगर प्लेइंग इलेवन टाइम पर आ गई तो मैं आपको कोशिश करूँगा आपके लिए जगने की, मैं नहीं खेलूँगा इस मैच को क्योंकि मैं ऊपर के और मैच में ज़्यादा अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुका हूँगा ऑलरेडी, तो मैं नहीं लगता मुझे कि मैं इस मैच को खेल पाऊँगा, क्योंकि अगर आप पैसा लगाओ तो आपको नींद नहीं आ पाती, रात का टाइम है, देखना जरूरी बन जाता है, तो इसलिए तो ये मेरा पूरी आज का जैसे दिन तो पूरा खाया गया, पूरी रात भी खा जाएगा, तो इसलिए मैं इस मैचेस को इन्वेस्टमेंट करूँगा तो केवल ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, क्योंकि ग्रैंड लीग में भैया पैसा लगाओ सो जाओ, आना होगा सुबह पता चल जाएगा आपका क्या हुआ है, तो फ्रेंड इसलिए करूँगा तो ग्रैंड लीग को, ग्रैंड लीग को इन्वेस्ट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड फाइनली मेरे आज के सारे मैचेस यहाँ पर कवर हो चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने हमारी सारी वीडियोज़ देख ली होंगी और पूरी देखी होंगी ऊपर की सारी वीडियोज, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोबारा जाकर लाइक कर दीजिए और वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखिए, कि हर बार कहते हैं आप तो बगट आप लोग नहीं सुनते हो, आप लोग अपनी मनमर्जी करते हो यार, अपनी टीम देख ली बन गई टीम जीत गए पैसा, आप कहाँ नहीं करता, मैं ऐसा नहीं फ्रेंड, सुनना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है अपना दिमाग, उसके बाद लड़ाना पड़ता है। मैं भी 5 साल से खेल रहा हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे भी, मैं एक्सपीरियंस के साथ ही चलता हूँ, तो आप लोग ट्रस्ट हो तो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भाई या फिर कोई फ्रेंड आपका लॉस में हो तो उसे बोलिए लॉस रिकवर करना चाहता हो तो फिर हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग से हमारी टीम के साथ जुड़ के कर सकता है अपना लॉस रिकवर। तो चलिए फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक आज के सारे मैचेस के लिए, देखते हैं अब क्या होता है मैचेस में, क्या हमारी विनिंग से परफॉर्म रहती है, अगले संडे में आपको पता चली जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी अगले संडे में आएगी, जो हमारी टीम परफॉर्मेंस की वीडियो होगी वो हमारी नेक्स्ट संडे में आएगी, इस संडे में हमें वीडियो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की वीडियो डाल चुका, नहीं देखे तो भाई देखिए। और फ्रेंड आपसे हमने रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ताकि मैं उस वीडियो में आपके स्क्रीनशॉट ऐड कर सकूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा दिखाने के लिए कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर अच्छा विन कर रहे हैं या लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक प्लीज़ जरूर कर देना। ओके फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अब देखते हैं हमारे टीम्स की क्या परफॉर्मेंस रहती है और क्या हमारे रिजल्ट रहते हैं, नाइट में आपको सब कुछ शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। पर आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हमें अच्छा लगेगा, हमें पता चलेगा कि हमने आपके लिए कैसा काम किया है। ओके फ्रेंड, गुड बाय।